बिरसा मुंडा महान स्वतंत्र वीर, उन्हीं के बारे में हम सुनने जा रहे। पिता सुगना मुंडा और माता कर्मी हतु के पुत्र बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड प्रदेश में रांची के उली हाथू गांव में हुआ था। सालगा गांव में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद वे चाईबासा इंग्लिश मिडिल स्कूल में पढ़ने आए। उनका मन हमेशा अपने समाज की ब्रिटिश शासकों द्वारा की गई बुरी दशा पर सोचता रहता था। उन्होंने मुंडा लोगों को अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए अपना नेतृत्व प्रदान किया। 1894 में मानसून के छोटा नागपुर में असफल होने के कारण भयंकर अकाल और महामारी फैली हुई थी। बिरसा ने पूरे मनोयोग से अपने लोगों की सेवा की। 1 अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्र कर उन्होंने अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदोलन किया। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सजा दी गई। लेकिन बिरसा और उसके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहायता करके और उनको मदद करके अपने जीवन काल में एक महापुरुष का दर्जा पाया। उन्हें उस इलाके में लोग धरती बाबा के नाम से पुकारते थे और पूजा करते थे। उनके प्रभाव की वृद्धि के बाद पूरे इलाके के मुंडाओं में संगठित होने की चेतना जागी। 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे और बिरसा और उसके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। अगस्त 1897 में बिरसा और उसके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होकर खुटी थाने पर धावा बोला। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेज सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई लेकिन बाद में इसके बदले उस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारियां हुई। जनवरी 1900 डोमबाड़ी पहाड़ी पर एक और संघर्ष हुआ था, जिसमें बहुत से औरतें और बच्चे मारे गए थे। उस जगह बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों की गिरफ्तारियां भी हुई। अंत में स्वयं बिरसा भी 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। बिरसा ने अपनी अंतिम सांसें 9 जून 1900 को रांची कारागार में ली। उन्होंने जंगल राज स्थापन किया था। वो आदिवासियों को मुक्ति का अच्छा धरोहर था। बिरसा ने अपनी अंतिम सांस 9 जून 1900 को रांची कारागार में ली। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें हैजे के कारण मौत आई थी। उन्होंने जो काम अपने आदिवासी बंधुओं को लिए किया, जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, उसका आज ही बहुत प्रेम से लोग उन्हें पूछते हैं। बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। वहीं उनका स्टैचू भी लगा है। उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार तथा बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र भी है। धन्यवाद दोस्त, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।